मुताहिर भी उठ गया है, मुनीब है, मेरे हर हो रही है। मेरा क्या हुआ सुबह सुबह? फाड़ दी बुक। तो अभी गांव के लोग जो है वो सुबह सुबह रेडियां लेके चारा लेने जा रहे हैं। ठीक है, इस तरफ जो है वो इंडिया है, ये मेरे इस तरफ जो है ये अभी सूरज फूटा नहीं है, सूरज तलू नहीं हुआ। आज बादल भी है लेकिन अभी सूरज का टाइम भी नहीं हुआ तलू होने का। हमारा कबूतर मर गया यार। तो ये हमारे सोसाइटी और हमारे पुराने गांव के साथ जो नहर है, बीआरबी नहर, और ये बड़ी मशहूर नहर है। और 1965 की जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी वो इसी नहर के ऊपर हुई थी। इस तरफ जो है वो इंडिया है, ये मेरे इस तरफ जो है ये अभी सूरज फूटा नहीं है, सूरज तलू नहीं हुआ। आज बादल भी है लेकिन अभी सूरज का टाइम भी नहीं हुआ तलू होने का। ठीक है, इस तरफ हमारे गाँव के सारे खेत हैं और इंडिया 1965 में यहाँ पे था और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इस तरफ थी, यानी कि मगरब की तरफ, और यहाँ पे हमारे बंकर बने हुए हैं सारे। तो ये हमारी बीआरबी कनाल है और ये हेड मराला सियालकोट से निकलती है और एंड इसका जो है वो दीपालपुर होता है। कसूर से होते ही, गंडा सिंह के मुकाम से होते ही, ये एंड जो है वो दीपालपुर उकाड़ा तक इसके अंदर से ब्रांच कनालें निकलती हैं। तो अभी गांव के लोग जो है वो सुबह सुबह रेडियां लेके चारा लेने जा रहे हैं। ठीक है, सुबह सुबह के अपनी ज़मीनों पे जाना और पेट्स को सुबह सुबह देखना एक अपना ही मज़ा है। और ये लोग सारे अपने रोज़गार के लिए निकल चुके हैं और ज़मीनों का व्यू आप चेक करें। अभी सूरज की रोशनी भी नहीं है, सूरज अभी तलू नहीं हुआ, यहाँ से उसकी लो फूटी है। तो मैं खामोश इसलिए था कि सुबह सुबह मैं ज़मीनों पर आया हूँ और जो चिक चहाती चिड़ियाँ हैं, टटीरी हैं, वो इतना सुकून हो रहा है ना सुबह सुबह उनकी आवाज़ें सुनकर। मैं फिर खामोशी अख्तियार करता हूँ। तो देखो कितनी किस्म की जो है ना वो चिड़ियाँ चहचका रही हैं, परिंदे उड़ रहे हैं आसमान पर, और ये सब कुछ सूर्य तलू होने से पहले हो रहा है। और हम लोग टाइम से उठते नहीं हैं। अगर हम लोग टाइम से उठें, अलग ये बात करें सुबह सुबह, और सुबह निकल के अपनी वॉक करें, अपने काम करें, तो यकीन माने हमारी सेहत, हमारी बीमारियां सारी ख़त्म हो जाए और हमारी सेहत अच्छी हो जाए। क्या सुकून है यार, गांव की लाइफ जो है ना वो भी एक अपना ही मज़ा है। और इतना सुकून है यकीन करें कि हर परिंदे की और गांव से दूर तक वो जो चारा काटने वाला टोका होता है उसकी भी आवाज़ आ रही है। किसी किस्म का डिस्टर्बेंस शोर नहीं है और इस वक्त एक जहाज गुजर रहा है और उसकी भी आवाज मेरे कान में पड़ रही है। नहीं, आ गया भाई, नजर आ गया। ये देखें, सुबह सुबह सूरज फूट रहा है जी। वाह, सुभान अल्लाह। मैं क्लोज करता हूँ कैमरा। और मैं काफी दिनों से देख रहा था कि जब सूरज फूटेगा सुबह सुबह तो वीडियो बनाऊंगा। अब ये कैमरा इतना अच्छा नहीं है तो इतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं आएगा, लेकिन यकीन माने जो सुबह सुबह आप जब उठते हैं, सूरज आपके सामने जो है वो तलू होता है और चिड़ियाँ दरख्तों पर चहकती हैं, तो इतना मज़ा आता है। सुभान अल्लाह, मैं सदके जाऊँ उस रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर जिसने ये कायनात सजाई, जिसने ये कायनात बनाई। हमारे घर के बच्चे जो हैं वो उठ गए हैं, मुताहिर भी उठ गया है, मुनीब है, मेरे हर हो रही है। मेरा क्या हुआ सुबह सुबह? फाड़ दी बुक। बेटा बुरी बात, और ये कभी वीडियो में नहीं आई, ये हमारी सबसे छोटी बेटी मुंतहा। ठीक है, मुंतहा, मुनीब, मुताहिर, और आपका क्या नाम है ऊपर करो, मेरहा। सुबह सुबह उठ के पढ़ रही है लेकिन भाई ने फाड़ दी है इसकी कॉपी जो है।
हाँ जी नैन्सी, कैसी हो? वेट करो बस, ये हमारे पिजन है जो कि बीमार हो गए थे, अब देखते हैं। ओए 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 ओए, सुबह सुबह नुकसान, हमारा कबूतर मर गया यार। ओए हो, और बेचारी लास्ट लकी कबूतरी रह गई है, और कबूतर को क्या हुआ यार? ये मैं भी देखूं, कल जो है ना ये सब्ज बीठे कर रहा था और ये दोनों ही बीमार लग रहे थे, कहीं दूसरे दिन बीमार हो गए पास से यार। ये बड़ा मसला है जब वायरल डिजीज आती है ना कोई भी। आप लोग ठीक हो ना? इनको भी हफाजती जो है ना आज वो जो है वो कोई मेडिसिन देते हैं। हाँ भाई, आप तो ठीक हो ना आप लोग यार? ये रानी खेत आई है, और ये इन्होंने जब मोहम्मद भाई ने लेके आए ना तो ये बर्ड उसी दिन से ढीले थे, और लिए भी उन्होंने महंगे हैं, जिस बंदे से भी लिए हैं काफी महंगे लिए हैं यार। और ये वीक, ये कबूतरी तो बहुत वीक थी, तो हमारे साथ अब लका कबूतर नहीं रहा जी, इसकी डेथ हो गई है, और इसको बड़े इमोशन लगे हुए थे। भाई तुम्हें क्या हो गया यार? मुझे याद है इसका भी बच्चा जो है ना रात मैंने इसके ऊपर छोड़ा था। चलें इसको मैं दफनाता हूँ अभी, तो पहले नैन्सी के लिए यार कुछ कर दूँ। चलें यार इसके लिए कब्र निकालते हैं, बहुत अफसोस हुआ यार। कि जो भी चीज हमारे पास, यहाँ तो कोई सरप्राइज आ रहा होता है, और पहले हमारा गीज चले गई, वो सॉरी गीज कह दिया, कून चले गई हमारी पहले, उसके बाद हमारा जो नवाज है वो इस दुनिया से चला गया, और आज ये, हालांकि मेरे फार्म पे कोई डिजीज बीमारी भी नहीं है, कोई वायरल बीमारी भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत अच्छा था यार हमारा ये पिजन। अभी तो हमने इसका नाम भी रखना था, बेचारा पहले इस दुनिया से चला गया, और अचानक चला गया। तो जो भी कस्टमर जहाँ से भी चीज़ ले वो देखें हेल्दी है, मोटा है, ताज़ा है, इसकी नीचे से हड्डी तो नहीं निकली हुई, तो चलें हो जाता है। हम नया आज पेट मार्केट हमने वैसे भी जाना था, लेकिन ये नहीं पता था कि घर आते हुए हमें जो है वो बैड न्यूज़ मिल जाएगी। तो हमारी गीज ने भी दाना पानी खा लिया है, और हमारी मुर्गियों ने भी खा लिया, तो अभी हमने सबको देख लिया है, अब चलते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को एक चीज़ दिखानी थी, मैंने ना ड्रैगन फ्रूट के एक दिन पौधे लाया हूँ, और वो पौधे लगाए हैं, इसे बोलते हैं ड्रैगन फ्रूट का पौधा। और ये देखें, ये एक कांटेदार पौधा होता है, लेकिन इसको जो फ्रूट लगता है ना वो ड्रैगन फ्रूट बहुत अच्छा लगता है। तो अल्लाह करे ये नर्सरी मेरी कामयाब हो जाए, और फिर हम लोग जब कुरानदाजी किया करेंगे ना, आपसे सवाल पूछा करेंगे, तो आपको एक प्लांट ड्रैगन फ्रूट का दिया करेंगे। और ये देखें मेरा ड्रैगन फ्रूट का ये वाला जो पौधा है ना, इसकी आगे जो है ना वो माशाल्लाह से 3 फूट चुकी हैं, और ये भी बड़ा हो रहा है, ऐसे ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, और ये देखें इसकी तो कितनी शाखें हैं। तो इनसे बहुत सारे पौधे बनेंगे, तो इंशाल्लाह हम अपने चैनल में जो है ना वो आप लोगों से सवाल जवाब पूछा करेंगे। बूझो और जानो और जीतो। तो फिर ना हम लोग कुरानदाजी में हर वीक के वीक एक अपने सब्सक्राइबर में कुरानदाजी के अंदर एक पौधा जो है ना उनको गिफ्ट किया करेंगे। तो ये कोई सस्ता पौधा नहीं है, ये 5000 रुपए का एक प्लांट है, यानी कि ये एक प्लांट जो है ना ये 5000 रुपए का है। ये अच्छी वैरायटी जो होती है, और जो उससे नीचे वैरायटी होती है वो 2000, और जो चला पौधा होता है वो 5000 का पौधा सेल हो रहा होता है।